रूस और यूक्रेन करीब एक महीने से जंग के मैदान में आमने सामने हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश यूक्रेन को पैसों और हथियार की मदद दे रहे हैं, लेकिन मैदान में उतरने से सभी को परहेज है। अमेरिका बार बार जता चुका है कि अगर वो रूस से भिड़ा तो विश्व युद्ध की नौबत आ जाएगी। हालांकि पर्दे के पीछे वो विश्व युद्ध जैसे हालात ही बना रहा है। आइए आपको दिखाते हैं मौजूदा जंग के चार बड़े किरदार और उनकी भूमिका आखिरकार क्या है। यूक्रेन के पास पोलैंड में मौजूद है जो बाइडेन, वहां पर विदेश मंत्री रक्षा मंत्री से यूक्रेन की मुलाकात होनी है उनकी। नाटो की बैठक में उन्होंने हुंकार भरी, उन्होंने चेताया रूस को एक बार फिर से यूक्रेन को हथियार भेजने की बात वो बार बार कर रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक भेजी एटमी पनडुब्बी, यही पुतिन जो है, पुतिन का एक्शन क्या है? नाटो देशों को सीधे वो चेतावनी दे रहे हैं, अगर किसी ने भी दखल देने की कोशिश करी तो नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। वो अब पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की जो है वो किस तरीके से एक्शन में, रूस के आगे वो झुकने को तैयार नहीं है, कह रहे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राजधानी कीव की किलेबंदी कर रखी उन्होंने, चारों तरफ से कीव को घेरा गया है। नाटो देशों से लगातार वो मदद मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि क्लियर कीजिए कि हमारे साथ है या नहीं है। वहीं पोलैंड के राष्ट्रपति रूस के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुटे हुए हैं, वो अपने देश को लेकर चिंतित हैं कि कहीं ये युद्ध की चिंगारी उन तक ना पहुंचे, इसलिए बार बार अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि वहां पर सेना की तैनाती, हथियारों की तैनाती बढ़ानी चाहिए ताकि वो अपने देश को सुरक्षित रख पाए। रूस को कोई नहीं रोक पाया, न इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश, न अमेरिका की चेतावनी, न नेटो की धमकियां, न यूक्रेनी राष्ट्रपति की अपील। ये सब कुछ होता रहा और युद्ध 31वें दिन तक पहुंच गया। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में रूस के घातक हमले बदस्तूर जारी हैं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। यूक्रेन के किसी भी कोने में रूस को बम बरसाने से कोई नहीं रोक पा रहा है। इकतीसवें दिन भी यूक्रेन सुलग रहा है, हर जगह मिसाइल और रॉकेट बरस रहे हैं। यूक्रेन के आसमान पर गहरा धुआं छाया हुआ है और धमाकों की आवाज किसी भी पल लोगों को दहला देती है। उधर यूक्रेन के पश्चिमी छोर पोलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति खुद मौजूद हैं, लेकिन बाइडेन की मौजूदगी से भी रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाइडेन रूस की इस दादागिरी से बेहद परेशान हैं, इतने परेशान कि वो सीधे यूक्रेन के पड़ोस में पोलैंड पहुंच गए। तमाम ताकतवर देशों के साथ साथ तीन तीन बैठकें की और पोलैंड में नेटो फौज में तैनात अपने देश के सैनिकों को समझाने भी पहुंच गए कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की इस जंग का क्या मतलब है। And that's really what's at stake. So what you're doing is consequential, really consequential. We're in the midst of, and I don't want to sound too philosophic here, but you're in the midst of a fight between democracies and oligarchies. तीन तीन बैठकों में पुतिन और बाकी ताकतवर नेताओं ने रूस को रोकने का कोई पुख्ता प्लान बनाया है, इसका कोई इशारा फिलहाल नहीं दिख रहा है। सारी बात ले देकर आर्थिक प्रतिबंधों, यूक्रेन के हथियार देने और नेटो देशों में फौज बढ़ाने के इर्द गिर्द ही है। ज़ेलेंस्की की उम्मीद शायद अभी भी कायम थी, जो इन बैठकों के बाद करीब करीब टूट चुकी है। Я не звинувачу зараз НАТО, я хочу бути зрозумілим. Ви не винні. Це не ваші ракети, це не ваші. माना जा रहा है कि रूस पर एक्शन से अमेरिका की सबसे बड़ी हिचक यही है कि उसके शामिल होने से ये लड़ाई कहीं विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ऐसी सूरत के लिए चार किरदार अहम होंगे। पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाहर से बैठकर रूस के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं और यूक्रेन को लगातार उकसा रहे हैं। दूसरा किरदार रूसी राष्ट्रपति पुतिन होंगे, जो यूक्रेन पर दबदबा जमाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे परमाणु पनडुब्बियां ही क्यों न उतारनी पड़े। तीसरे किरदार यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं,
जो महीने भर की लड़ाई और पूरे देश में मची तबाही के बावजूद झुकने से इनकार कर रहे हैं। चौथा किरदार पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा हैं, जो रूस से खुद डरे हुए हैं लेकिन यूक्रेन में शांति सेना उतारने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई के लिए दुनिया अगर किसी को सबसे ज्यादा याद रखेगी तो वो है यूक्रेनी राष्ट्रपति, जो सारे पश्चिमी देशों के उकसावे पर रूस से भिड़ बैठे लेकिन धोखा खाने के बावजूद अभी तक एक महाशक्ति के आगे अकेले दम पर डटे हुए हैं। नादानी और बहादुरी का ऐसा कॉकटेल बहुत कम देखने को मिलता है। कीव से राजेश पवार और वॉर्सो से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।